और इस मीटिंग में उपस्थित आवाज बढ़ाइए माइक की, आवाज बढ़ाओ निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, घरों में बैठी हुई मेरी माता और बहनों, नौजवान दोस्तों और इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य अजीत बच्चों, आपके अनुमति से मैं बैठ के बात कर रहा हूं। काफी लंबे समय के बाद मुझे आपके बीच में आने का अवसर मिला। मैं तो गांव का आदमी हूं, खेत से जुड़े हुए हूं, अनेक दुख दर्द में कामी खुशी में गांव गांव में हारना पड़ना मेरी आदत नहीं। लेकिन 2005 में जब हमारी सरकार चली गई थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवा दिया। दोष मेरा ये था कि हमारी सरकार के वक्त में 3,206 पढ़े लिखे युवकों को हमने नौकरी दी थी। जिन बच्चों को नौकरी मिली उनकी तरक्की हो गई, नौकरी लगाने वाले को 10 साल की सजा हो गई। दुष्प्रचार फैलाया गया कि चुकाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी खत्म हो गए। आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाया। ये बात आप और हम नहीं कह रहे, राष्ट्र के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेता इस बात की सराहना करते कि संगठनात्मक दृष्टि से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई मुकाबला। जब कभी भी देश में कोई विपदा आई है, चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जनमत जुटा करके उस सरकार का तख्ता पलटने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान किया। आज फिर देश में मुसीबत आई, इस देश का हर नागरिक आज दुखी है। हमेशा साथियों, मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला, सैर सपाटे के लिए नहीं, हर वर्ग के राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए मैं विश्व में गया। हर गांव में जाकर के मुझे ये देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि समूचे विश्व के स्तर पर हमारा देश एक ऐसा अनूठा देश है जहाँ सभी धर्म और मजहब के मानने वाले लोग, सभी जात जाति के लोग, हिंदू सिख मुसलमान ईसाई तमाम धार्मिक मामले के लेकर खटी खाती कुमार लोहार सुनार मणिहार नाई तेली धोबी ऊंची ब्रह्म बुढ़िया व्यापारी और कर्मचारी, आज सभी लोग खड़े करके इस प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन पिछले हालात को देख करके कुछ लुटेरे वर्ग के लोगों ने देश की संपत्ति को लूटने के लिए हमें जात पात धर्म मत और के नाम पर आपस में लड़ा। जो लोग हम पर तीज त्योहार होली दिवाली ईद और क्रिसमस सब मिलकर के मनाया करते थे, उनमें नफरत फैलाने का काम और लोगों को रड़ा करके लुटेरों ने सत्ता पर कब्जा दबाने में सफलता प्राप्त, उन्हें देश से कोई सरोकार नहीं, सत्ता से कोई प्यार नहीं। ये तो पैसे के लोग भी हो गए,
पैसा कहाँ से आए, कैसे आए, ये शादी सोच सके तक करते हैं। हमने वो वक्त भी देखा है जब हमारा देश दुनिया के गरीब लोगों की आर्थिक मदद किया करता था, लेकिन आज हालत यह है कि हमारे देश के ऊपर लाखों करोड़ का कर्जा है। हरियाणा प्रदेश के ऊपर 3 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा है। कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी इन्हें कर्ज देना पड़ता है। जो पहले का लिया हुआ कर्जा है उसका ब्याज अदा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। जो बच्चा पैदा होगा वो 1000 करोड़ का कर्ज अपने सर पर लेकर के पैदा। देश की हालत बहुत खराब है। लुटेरे भरते लोगों ने देश को लूटना शुरू किया। आज जो लोग सत्ता में बने बैठे हैं वो इस प्रकार के टैक्स लगाते हैं जिससे देश का सारा पैसा मुट्ठी में बड़े उद्योगी घरानों बिरला, टाटा, डालमिया, मार्गरेट थापर, किर्लोस्कर, मोदी, अंबानी, अडानी जैसे लोगों के पास चला जाता है और फिर उस पैसे को ये लूट के खाते हैं। अरे एक बात तो ये है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने पूरे बुजुर्गों को सम्मान प्रदान करने के लिए जो सम्मानित पेंशन जो करती थी इनके वक्तों ने वो पेंशन भी काटने शुरू कर दी। आज देश में बिजली और पानी नहीं, खाद और बीज के लिए हमें लाइन में लगना पड़ता है। हमारी उपज के मैदान पर धमले नहीं मिलते। गन्ना हम पैदा करते हैं, गन्ने का कोई खरीदार नहीं, और शुगर मिल वाले अगर गन्ना ले भी ले तो सालों तक उसकी पेमेंट नहीं करते। लेकिन गन्ने से जो चीनी बढ़ती है उसके दाम बाजार में रोज बढ़ते हैं। हमारी महिलाएं बहुत परेशान है, हमें किचन में खाना बनाने में दिक्कत आती क्योंकि गैस के सिलेंडर के दाम रोज बढ़ रहे हैं। आज स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में दवाई और डॉक्टर नहीं, कर्जे के बोझ के तरह किसान बर्बाद हो रहा। हमारे देश कृषि प्रधान देश कहलाता है। इस देश की सारी अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। किसान अगर खुशहाल है तो देश मालूम है, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल है। हमें महंगाई आसमान को छू रही, बेकारी और बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही। इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से हमारे ट्रैक्टरों में, ट्रकों में और बसों में जो डीजल लगता है उसके दाम रोज बढ़ रहे हैं। लेकिन आप सुन के ताजुब करेंगे कि समुद्री जहाजों में और हवाई जहाजों में जो डीजल लगता है उसके दाम रोज कम हो रहे हैं। उसमें पैसे वाले लोग सफर करते हैं। ये उद्योगपतियों की सरकार है, इसलिए आज किसान बर्बाद हो रहा है। सारे देश के लोगों की निगाह आप पर टिकी है। हमारी सभाओं में आपने देखा होगा कि देश के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेता आपको मंच पर बैठे हुए दिखाई देते तो दुखी है इस प्रशासन से। इसलिए लाखों की संख्या में आपको सभा में बैठे देख करके हमें ये हौसला होता है कि इंडियन नेशनल लोकल पार्टी इस दिक्कत से हमारा छुटकारा पा सकती। जो लोग रास्ता भटक गए थे, जो गुमराह हो गए थे, जो भटका लिए गए थे और या विश्वास के मसलों सत्ता पक्ष में चले गए थे, आज वो पछता रहे हैं, आज वो दुखी है। आपसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं।
हम तो स्वर्गीय चौधरी बृजलाल जी के स्वप्न साकार करना चाहता। स्वर्गीय चौधरी बृजलाल जी ने धर्म से लेकर के आज के साल तक इस देश में हर नागरिक की मूलभूत जरूरियात पूरी हुआ, रोटी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे, इसके लिए वो संघर्ष करते हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उनके स्वप्नों को साकार करने के पक्ष में हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, कुछ काम नहीं, सबको साथ शामिल करो और शामिल करके एक लड़ाई लो। जो शुरुआत हमने की है कि परिवर्तन पर यात्रा, परिवर्तन का मतलब बदलाव, और बदलाव का मतलब इस कुशासन से पैदा छुटाना। जो आपसे निवेदन करूंगा सभी इकट्ठे होकर के इस यात्रा में शामिल हो जाओ। हम जब आपके इस मजबूती को देखते हैं तो हमारा उत्साह होता है, बड़ा हौसला होता है। हर मर्द जवान, महिला पुरुष, जवान लड़के और छोटे बच्चे भी उस यात्रा में शामिल। उस यात्रा का बड़ा सुखद परिणाम निकला है, देश के लोगों को हौसला मिला है। हरियाणा के इंडियन नेशनल वर्कर पार्टी ने निर्णय ले लिया, निश्चित रूप से देश की राजनीति में बदलाव लाने का काम। अब आपको 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो लोग रास्ता भटक गए वो आपके साथ शामिल है, गठबंधन टूट जाएगा। अब जनता के चुनाव चिन्ह पर बने हुए एमएलए उनकी पार्टी को छोड़ के नीचे आ गए। अब जब सरकार अनुपन्न होगी तो मध्यावधि चुनाव निश्चित, मध्यावधि जब चुनाव हो गए तो फिर मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। कभी इस देश के लाल भाग के मालिक होंगे और जो कहने थे कि सलाखों के पीछे, इसलिए मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं दे रहा था। जो बात मैं कहूंगा वो आपके रोज बीत रही, इसलिए आपसे संक्षिप्त में ही कैद करना चाहूं कि आप एक काम कर लिया करो, जब भी मौका मिले ऐलन के चुनाव चिन्ह के आगे का पत्र बना दिया, बाकी काम सारे जितने हमारे क्षेत्र। विद्यार्थी भाषा नहीं की बात कह रहा हूं, राज प्रणाली फिर थारे सारे भोगियों का अतीत में हमने अच्छे काम किए थे या नहीं किए थे, भविष्य में और ज्यादा अच्छे। भारतीय जनतंत्र में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों के मूलभूत जरूरियात पूरी करें। हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने पहली दफा मुख्यमंत्री के पदभार को संभालने के बाद एक घोषणा की थी कि जिस किसी साथी को कोई तकलीफ हो तो मेरे पास मेरी कोठी पे आके दरबार दे, मैं उसकी तकलीफ को दूर करूं। संयोग से मुझे एक बार चंडीगढ़ जाने का मौका मिला और चंडीगढ़ में अपने किसी मित्र को मिलने के लिए जा रहा। जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री निवास था। मैंने देखा उनको भी सुननी पड़ी, एक भी आदमी नहीं था। मैंने रोज पड़ोस के लोगों से बुला करके पूछा कि भाई मुख्यमंत्री निवास तो खाली पड़े, सुनना पड़े। लोगों ने कहा क्या करेगा कोई यहाँ है, या काम तो किसी के होते नहीं, कोई दरख्वास्त लेकर जाता है तो पुलिस वाले उसे पकड़ करके पीट करके जेल में भेज देते हैं, ये हालत है। मैंने उसी ने सत्या कर दिया,
जब भी मेरी सरकार बनाने का अवसर मिला तो लोगों की सारी तकलीफात को दूर करें, आपके सहयोग समर्थन से सरकार बनी और पहले कदम से हमने एक कानून बनाया कि लोगों को सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं, सरकार आपके पास आए, सरकार आपके पास कार्यक्रम के तहत मैं हर साल हर गांव में जाता था कि नहीं जाता था, आपके झज्जर जिला के एक एक गांव में सब गया था कि नहीं गया था, और गांव के लोगों ने जो मांग रखी वो आपकी सारी मानी गई कि नहीं मानी गई, कुछ ऐसी मांगे भी थी जो आपने मांगी नहीं थी व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर वो जरूरी थी। हमारा देश एक सेकुलर देश, यहाँ सभी धर्म मजहब के मानने वाले लोग इकट्ठे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मुल्क अलग पड़ने के बाद भी आज भारतवर्ष में लगभग 37% मुस्लिम आबाद, मुसलमानों का युवाज उनमें किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे कब्रिस्तान में जाकर के दफनाते हैं, किसी को भी बुजुर्ग की अगर मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार के लोग दोस्त मित्र उसको कब्रिस्तान में ले जाते हैं और मिट्टी घोल करके उसको दबा देते हैं, वो तो उसको दफना करके चले जाते हैं लेकिन पीछे से आवारा घूमते हैं उस मिट्टी को खोद करके डेड बॉडी को निकाल के ले जाते हैं, उससे मुसलमान अपमानित होता है कि नहीं है। हमने बिना मांगे कब्रिस्तान की क्या दिवालियां हर जगह होती, हिंदू संस्कृति में किसी की मृत्यु हो जाए हम उसे शमशान घाट में ले जा करके सदा संस्कार करते हैं, और बारिश के दिनों में अगर किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए रस्ते पानी से भर जाते हैं, शमशान तक पहुंच रहे दिक्कत आती है, घर में दाह संस्कार कर नहीं सकते, इसलिए इस दिक्कत और कठिनाई को दूर करने के लिए हमने हर कब्रिस्तान में तक पक्की सड़क बनाने का फैसला किया। विरोध पक्ष के लोगों ने हमारे खिलाफ एक कुछ प्रचार भी फैलाया कि इन्होंने सिवाय कब्रिस्तान की चार दीवारी करने के और शमशान घाट के रस्ते पक्के करने से कुछ नहीं किया, हम जानते हैं हम लोगों की दिक्कतों को समझते थे, इसको खुला किया। आज हालात बहुत खराब है, उसके विस्तार में मैं जाऊंगा तो आपका बहुत मूल्य समय लग जाएगा, लेकिन इन विकट परिस्थितियों से देश को बचाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग आज जुड़ना चाहते हैं, हम उन सबको इकट्ठा करके इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से देश को जोड़ने का काम करें, देश जब संकित होगा तो परिस्थितियां बदलेंगे, आप राज के मालिक होंगे और हमारी सरकार जब हरियाणा में बनेगी तो सबसे पहले हमें बूढ़े बुजुर्गों की पेंशन भी सरकार ने काट दी, उनका कटा हुआ पैसा नए ब्याज के उनके घर में और वृद्धावस्था पेंशन 7,500 रुपए महावार करें, महिलाओं को खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई, हर महीने हर घर में एक गैस का सिलेंडर और 1100 रुपए मुफ्त निकलवाए, बिजली पानी की कोई किल्लत नहीं, खाद और बीज के लिए आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, बुजुर्ग के जो कर्जे आपके सर पर छोपे गए हैं वो माफ करने लगा, हम हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दें, बच्चों का कोई पैसा खर्च नहीं हो, और पढ़ने वाला जो बच्चा अगर बीमार हो जाए ना उसका मुफ्त में इलाज कराए, और पढ़ लिख करके बच्चा अगर योग्य हो जाएगा
उसके माँ बाप ने कहीं भी चाहे वोट दिया, हम वोट की राजनीति का दखल ना मानते थे, उस बच्चे को नौकरी दी। और जब तक वो पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, 21,000 रुपए नवाब ने बेरोजगारी का भत्ता दिया। हर किस्म की सहूलियात आपको है, सारी बातें मुझे बताने की आवश्यकता है। आपसे केवल एक ही निवेदन करना है, आप सब इकट्ठे होकर के प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल कर एनएफ का बटन दबा दिया तो बाकी सब हमारे पर। यही बात कह रहे आपके बीच में है, आपके लिए एनएफ गिरा प्रभाव कितना तो मैं आपसे वायदा करता हूँ कि आपको सारी सहूलियात है, थोड़ा प्रेम प्यार और स्नेह आपने मुझे दिया और उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करता और भगवान से प्रार्थना करूँगा आपका हमारा ये सहचार सदा कायम रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और उन्हें भरोसा दिलाता हूँ कि क्यों सभी साथी भाइयों से डोरी पे लगा दी, डोरी पे बात आपने पूछी है तो पूछ सकते।